क्या आप एज अ बिजनेस ओनर ये कई बार नोट करते हो कि जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो चीजें इजी हो जाती हैं, जब आप क्लाइंट से बात करते हो, नए प्रोस्पेक्ट से इनफैक्ट कहना चाहिए आप जब बात करते हो, तो जो है कन्वर्जन ज्यादा अच्छा आता है कंपैरेटिवली जब आपकी टीम बात करती है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है कि आपकी टीम जो है बहुत सारे लोगों से बात करती है बट कन्वर्ट नहीं कर पाती है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने कभी समझने की कोशिश करी है? ऐसा नहीं है कि आपकी टीम काम नहीं करना चाहती, मे बी देर आर सम स्किल्स विच आर मिसिंग इन योर टीम। मैं क्या कहना चाह रही हूं, जब हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हम उसके साथ जो भी चीजें शेयर करते हैं, जिस तरीके से भी बताते हैं, क्लाइंट हमारा कन्विंस हो जाता है, बट हमारी टीम का कन्वर्जन रेट जो है उतना नहीं आता। ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, जब भी हम जो है एक नया पर्सन अपनी कंपनी के अंदर लेकर आते हैं। सो डू यू हैव अ ट्रेनिंग सिस्टम इन योर कंपनी जहां पर जो चीजें आप बोलते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से बोलनी चाहिए, जिस तरीके से कन्विंस करना चाहिए, जिस तरीके से सामने वाले को पिचिंग करनी चाहिए, क्या कभी आपने चेक किया है कि आपकी सेल्स टीम जो है उसी तरीके से बात कर रही है कि नहीं कर रही, उसी तरीके से उसको बता रही है कि नहीं बता रही? अब कोई बात ये आती है करके कि मैम हमारी टीम इतने सालों से काम कर रही है। अरे भाई, इतने सालों से काम कर रही है तो यू नेवर नो ना, अगर आप अपनी सेल्स से सैटिस्फाइड नहीं है, अपनी सेल्स ग्रोथ से सैटिस्फाइड नहीं है, तो दिस कैन बी वन फैक्टर, जिस फैक्टर के अंदर जो है आपको जरूरत है अपनी सेल्स टीम को ट्रेनिंग देने की, उनको ट्रेन कराने की। इन हाउस वो आप ट्रेनिंग दे सकते हो, पिच की ट्रेनिंग आप दे सकते हो, नो? तो ये चीजें करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज मैंने कई सेल्स पर्सन को जब रोल प्लेस के अंदर, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर सुना, उनके ही बिजनेस ओनर्स, उनके ही ओनर के सामने जो है उनको सुना और उन्होंने भी सुना, तो ये निकल कर आई कि ये चीज तो, मतलब ये तो 60% चीजें बोल रहे हैं, या 60% तरीके से चीजें बोल रहे हैं, या ये बहुत गलत तरीके से जो भी उनकी पिचिंग होनी चाहिए कर रहे हैं। फैक्ट्स वही बता रहे हैं बट पिचिंग गलत तरीके से हो रही है, या उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्स, आई वॉन्ट यू पीपल एज अ बिजनेस ओनर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी के जो सेल्स टीम है, आप अपने साथ बैठकर, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ बैठकर, और मे बी आउटसाइड एक्सपर्ट से जो है अपनी टीम की ट्रेनिंग करा सकते हैं। बिकॉज एक पर्सन, अगर सेल्स पर्सन आपकी कंपनी के अंदर आया है, तो वो कई और कंपनी से आया है, कुछ और एक्सपीरियंस के साथ आया है, आपके प्रोडक्ट में भी शायद हो सकता है 2-4-5 सालों से हो, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। जो आप बोलते हो, जिस तरीके से